हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रेवाड़ी दौरे पर रहे, बार एसोसिएशन को संबोधित किया। जनसंख्या नियंत्रण कानून पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के सवाल पर बयान दिया। जननायक जनता पार्टी के जनसंपर्क कार्यक्रम अभियान के तहत रेवाड़ी पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। रेवाड़ी में कई गांवों के साथ रेवाड़ी बार एसोसिएशन में वकीलों को किया संबोधित। बार एसोसिएशन के बार रूम में अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए बार की सभी मांगे मानने का आश्वासन दिया। कहा, ई टेंडरिंग में देरी की वजह से गेहूं खरीद और लिफ्टिंग में हुई देरी। अब तक 45 लाख हेक्टेयर टन गेहूं की हुई खरीद, 42% का हुआ उठान, 3 दिन में होगी 75% गेहूं लिफ्टिंग का कार्य पूरा। जनसंख्या नियंत्रण पर बोले डिप्टी सीएम, नीला हाथी है जिस पर सब चर्चा करना चाहते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट करने की पहल कोई नहीं करता। बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय, इस पर हम सबको सामाजिक तौर पर गंभीरता से कार्य करना होगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक से सीबीआई की पूछताछ के सवाल पर कहा, उन्हें जांच के लिए नहीं बल्कि विटनेस के लिए बुलाया गया है। सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को लेकर कहा कि सभी भारतीयों को चिन्हित कर लिया गया है लेकिन आवाजाही के साधन सीमित होने की वजह से देरी हो रही है, लेकिन सभी भारतीयों को सुरक्षित भारत जल्द लाया जाएगा। दुष्यंत चौटाला शनिवार को रेवाड़ी के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत पहुंचे थे। आपको बता दें कि शनिवार को उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का गांव बोहका, खोरी, ददौली आश्रम, बार एसोसिएशन, मॉडल टाउन, भाड़ावास आदि गांव में दौरा कर जनसभा को संबोधित किया। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रेवाड़ी दौरे पर रहे, बार एसोसिएशन को संबोधित किया। जनसंख्या नियंत्रण कानून पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के सवाल पर बयान दिया। जननायक जनता पार्टी के जनसंपर्क कार्यक्रम अभियान के तहत रेवाड़ी पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। रेवाड़ी में कई गांवों के साथ रेवाड़ी बार एसोसिएशन में वकीलों को किया संबोधित। बार एसोसिएशन के बार रूम में अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए बार की सभी मांगे मानने का आश्वासन दिया। कहा, ई टेंडरिंग में देरी की वजह से गेहूं खरीद और लिफ्टिंग में हुई देरी। अब तक 45 लाख हेक्टेयर टन गेहूं की हुई खरीद, 42% का हुआ उठान, 3 दिन में होगी 75% गेहूं लिफ्टिंग का कार्य पूरा। जनसंख्या नियंत्रण पर बोले डिप्टी सीएम, नीला हाथी है जिस पर सब चर्चा करना चाहते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट करने की पहल कोई नहीं करता। बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय, इस पर हम सबको सामाजिक तौर पर गंभीरता से कार्य करना होगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक से सीबीआई की पूछताछ के सवाल पर कहा, उन्हें जांच के लिए नहीं बल्कि विटनेस के लिए बुलाया गया है। सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को लेकर कहा कि सभी भारतीयों को चिन्हित कर लिया गया है लेकिन आवाजाही के साधन सीमित होने की वजह से देरी हो रही है, लेकिन सभी भारतीयों को सुरक्षित भारत जल्द लाया जाएगा। दुष्यंत चौटाला शनिवार को रेवाड़ी के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत पहुंचे थे। आपको बता दें कि शनिवार को उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का गांव बोहका, खोरी, ददौली आश्रम, बार एसोसिएशन, मॉडल टाउन, भाड़ावास आदि गांव में दौरा कर जनसभा को संबोधित किया। अरे आराम से। पहले तो मैं रेवाड़ी बार एसोसिएशन का आभार व्यक्त करता हूँ
आज छुट्टी के उपरांत ही हमने बिहार के आज सम्मान किए। मैं इनका आभारी भी हूँ, धन्यवादी भी हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे अधिवक्ता इसी प्रकार से कैसे आमजन को लीगल एड समय अनुसार मिले, कैसे व्यवस्था सुधरे, इसमें अपना योगदान देते रहेगी। और मैं तो इनकी जो समस्या मेरे संज्ञान में चल रहा है तुरंत उसको कैसे टेकअप किया जाए, चाहे वो हाईकोर्ट की कमेटी से हो, चाहे हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हो, उनका जल्द से जल्द निवारण हम करेंगे। और साथ में आज मैंने इनसे आग्रह भी करा है कि जैसे ही हमने मॉडल डिजिटल लाइब्रेरी हिसार में बनाई, उसी लाइब्रेरी को रेप्लिकेट रेवाड़ी में करें, कि आज के ज़माने में डिजिटलाइजेशन के टाइम रेवाड़ी बार को भी और मॉडर्नाइज कर पाए, सारे अधिवक्ताओं को बेहतर सहूलियत दे पाए केस स्टडी की, केस रिसर्च की, जो आने वाले समय में यहाँ के एक एक वकील को काम में। जनसंख्या नियंत्रण पर क्या कहेंगे, चीन से ज़्यादा हो रही है। मैं तो पार्लियामेंट में भी कहा था कि ये वो नीला हाथी है जो जिसके बारे में लोग चर्चा करनी पसंद करते हैं, मगर इसके ऊपर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि हमें गंभीरता के साथ आज इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा और किसी न किसी प्रकार से आज अगर नियंत्रण नहीं लाया गया। आज तो हम बड़ा प्राउडली कहते हैं कि हम सबसे युवा देश है दुनिया का। आज 55% हमारी आबादी 35 साल से नीचे की। चाइना के आसार भी आज हमने देखे हैं, धीरे धीरे एजिंग पॉपुलेशन ने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को आज बिगाड़ना शुरू कर दिया। ये युवा हमेशा तो नहीं रहेगा, धीरे धीरे ये भी पॉपुलेशन एज्ड होगी। और अगर पॉपुलेशन नियंत्रण में नहीं आई तो मुझे लगता है आने वाले समय में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोलैप्स होने लग जाएगा। तो इसके ऊपर गंभीरता से हम सबको सामाजिक तौर पर भी चर्चा करें। सतपाल मलिक से सीबीआई की जांच क्या कहेंगे? तो मामला जम्मू कश्मीर का है और जांच नहीं है, क्योंकि तो विटनेस उसके लिए बुलाया है। कोई बात तुमने उस समय ऑब्जर्व करी थी उस पर सीबीआई इंक्वायरी होगी और जैसे ही जवाब दे देंगे। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई विशेष पूरे मामले में। ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से हमारी चर्चा चल रही है, जितनी इंडियन फैमिलीज हैं उनको सिक्योर लाने का कार्रवाई ऑलरेडी चल रही है। जो फैमिली हरियाणा से है उनको ट्रेस कर लिया, मगर व्यवस्था आने जाने की लिमिटेड है। हम प्रयास करें जल्द से जल्द। सर, स्टाम्प विक्रेताओं के जो लाइसेंस हैं वो रेन्यू नहीं हो रहे हैं? मेरे संज्ञान में आज ये मामला आया, मैं इमीडिएटली इसको चेक कराऊंगा और मंडे तक भेजूंगा। एक मंडी का अंदर उठान की थोड़ी समस्या आ रही है। बिल्कुल आई थी, क्योंकि जो लस्टर लॉस के बाद केंद्र की नोटिफिकेशन को हमने जब ई खरीद पे डाला तो उसमें समय लगा, 3 दिन का डिले हुआ और 3 दिन का नतीजा ये है कि आज 45 लाख मेट्रिक टन गेहूँ हमने खरीद लिया है। 45 लाख में से भी 43% गेहूँ ऑलरेडी उठ चुका है। संडे को प्रोक्योरमेंट नहीं होती, मैंने डिपार्टमेंट को एक टारगेट दिया है कि कल शाम तक हम 75% से ज़्यादा गेहूँ को गोदाम तक पहुँचा देंगे। कल हमारे पास एक दिन है ऐसा जिसमें मंडियों के अंदर भी जो लेबर काम करती है उसको गोदाम की तरफ हम डाइवर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करा कर माल को गोदाम तक पहुँचाएंगे। सर, काफ़ी देरी चल रही है, नया बस स्टैंड बनना है। जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर क्या डिपार्टमेंट के कारण रहे तो चेक कराने की बात, टेंडर कितने पीरियड का था, क्यों डिले हो। गठबंधन की बात करें तो दोनों साथ खड़े हैं, आप लोगों का बस चले तो हमारे को सामने लड़ा दो, क्योंकि ऐसा है ना कि आपके कार्यकर्ता आपको सब देखते हैं। चलिए, कार्यकर्ता तो हर आदमी यही चाहता है, पार्टी की ग्रोथ। ये तो मोदी जी ने भी बीजेपी के स्थापना दिवस पे कहा ना कि 2 सांसदों की पार्टी से हम चले जाए। आज 300+ है, पार्टी का सपना होता है पार्टी का विस्तार। क्या आज हमारे बीच में कोई खटास है?
पर मुझे लगता है हमारे कई मीडिया के साथी सामने तुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं।